class of planning. You have with Rahul Sharma, your friend and guy. And this is sir back-to-back classes for artists. मतलब artists के लिए कौन सी important artists हैं, कौन सी poets हमें on tip कर लेनी है block wise, specially block wise for MEG 1 British poetry. सर एग्जाम आ चुका है तो प्लीज़ ये तो पता होना चाहिए. तो एज आई प्रॉमिस किया डेफिनेटली मैं पेपर से पहले पहले सारे ब्लॉग्स की इंपॉर्टेंट पोइट्रीज आपको बताऊंगा, उनकी एक दो आर्टिस्ट भी दूंगा कि आप लोग ऑन टिप कर पाए. आपको पता लगेगा कौन सी पोइट्री करनी. यस हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पोइट्रीज फ्रॉम द ब्लॉग नंबर 6 रोमांटिक पोइट्स. सो रोमांटिक पोइट्स की बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एससी कॉलेज एंड विलियम ब्लेक. तीन डोमिनेंट नाम हैं, बाकी भी लेकिन तीन डोमिनेंट नाम हैं जो यहाँ पे डोमिनेट करते हैं पूरी तरह से, जिनके बाद पेपर में क्वेश्चन नहीं आना. आप मेरे से इन तीनों से ही आएगा. अब आएगा तो इन तीनों से यार आपको कौन सा करना है, कौन सा छोड़ देना है, यू आई नीड टू चेक. तो पहले बात करते हैं कौन सी पोइट्रीज करनी है. तो याद हो गया लंडन और टाइगर विलियम ब्लेक. आई होप आपने पढ़ी सर. नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी पक्का. ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चैनल सब्सक्राइब किया तो ठीक है, नहीं किया तो कर लेना. करके आप दोनों पोइट्रीज की वीडियो मैं डाली है उनको प्लीज़ देखो. दोनों पोइट्रीज की वीडियो को ऑन टिप कर लो. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस मस्ट गो फॉर इट. तो फर्स्ट टू लंडन एंड टाइगर. कम टू नेक्स्ट मंथ सर एस सी कॉलेज डिसेक्शन एंड कुबला खान. आई लव डिसेक्शन. व्हाई आई लव डिसेक्शन डिलीट करना पता लग जाएगा पक्का. देन कुबला खान. आई डोंट लाइक कुबला खान, बेकार इमेजिन लगती है. फिर सर क्यों लगती है, इसको भी आप पढ़ना पड़े. सपनों की दुनिया से कुछ भी पर्सोनिफाइड फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट, सब कुछ इल्यूजन चल रहा है. ठीक है आई एग्री इल्यूजन चल रहा होगा. देन वी आर हैविंग द पिल्यूज. सर इसको समझना जरूरी है. हाँ इंपॉर्टेंट है यार, पेपर कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, किन चीज़ों को ऑन टिप करना, ये सारी बातें यहाँ रूल करती हैं. तो मैंने कहा सर मैं कैसे करूँगा. तो पहले बात है इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन. आई रिपीट इन एवरी मैन ऑफ एवरी मैन. इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर. इन एवरी इन्फेंट क्राई ऑफ फियर. इन एवरी वॉइस इन एवरी मैन. ये एवरी एवरी को पकड़ लेना, ये आपको याद दिला देगा. इन एवरी वॉइस इन एवरी मैन द माइंड फोर्स मैनेकल्स आर हियर. द माइंड फोर्स मैनेकल्स आर हियर. लुक एट हियर. In every cry of every man, in every infant cry of fear, in every voice, in every band, the mind force manacles are here. कौन सी poetry यार, please मुझे बताओ. सही answer को मिलेगी एक गिफ्ट मिलेगा confirm. comment box में पक्का मिलेगा. अब आपने बोला सर इसको कैसे करना है. How I'm going to bracket. This is the work of William Blake. Yes, this is the work of William Blake and the poetry is known as the London. लंडन है पोइट्री. आपने कहा विलियम ब्लेक वर्क है, डेफिनेटली विलियम ब्लेक का वर्क है. लंडन पोइट्री है. अब ये आ गया कॉन्टेस्ट. कॉन्टेस्ट में डालूंगा कहाँ, क्या बात हो रही है. कॉन्टेस्ट में आता है क्या बात हो रही है. बीच में क्वेश्चन आया था सर कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन में वर्क क्या होता है. एक्सप्लेनेशन निचोड़ होता बच्चा, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. कॉन्टेस्ट कहाँ पे क्या बात बोल गई, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, वो कॉन्टेस्ट में आता है. तो दो चीज़ें हमें ऑन टिप होनी चाहिए, कॉन्टेस्ट देन एक्सप्लेनेशन. क्रिटिकल एप्रेशन अगर आप लिखते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपके फेवर में काम करेगा. तो प्लीज़ गो फॉर क्रिटिकल एप्रेशन, दैट बी बेस्ट पार्ट इफ यू राइट नाउ. तो आई होप यहाँ पे पहला पार्ट क्लियर हो गया. चलो जान करते हैं नेक्स्ट वन पे. ओ लेडी वी रिसीव. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू गो फॉर इट. ओ लेडी वी रिसीव बट वट वी गिव. सर सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ. मैंने बोला मेरे कोई फेवरेट पोइट्रीज मेक है डिजेक्शन, उस पर ध्यान देना प्लीज़. उसको ज़रूर पढ़ना, इसी ब्लॉक में से है. कह रहा ओ लेडी वी रिसीव बट वट वी गिव एंड इन आर लाइफ अलोन डस नेचर लिव. जो मैं दे रहा हूँ मुझे मिलता ज़रूर है, सीरियस में मुझे मिलता वही जो मैं दे रहा हूँ. यहाँ पे वो लेडी को बोल रहा हूँ, लेडी इसको जिसको प्यार करता है, लेकिन वो उसको रिस्पॉन्स में वापस रिवर्ट नहीं करती वो चीज़. कह रहा ओ लेडी वी रिसीव बट वी गिव एंड इन आर लाइफ अलोन डस नेचर लिव. तो यहाँ पे पोइट्री आ गई. ओ लेडी वी रिसीव बट वट वी गिव एंड इन आवर लाइफ अलोन डस नेचर लिव. सर पोइट का नाम चलो गेस तो करो. कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए लिखा है, कितने ठीक हैं कितने गलत हैं डाला तो करो. मतलब बैक टू बैक आपके लिए वीडियोस दे रहा हूँ तो उसके बाद भी
ना तो सर वॉच टाइम तुम लोग बढ़ा रहे हो, ना तो तुम लोग सब्सक्रिप्शन बढ़ा रहे हो, ना ही तुम शेयर कर रहे हो। चीटिंग है, सीरियसली चीटिंग है। मैं नहीं कर रहा ऐसा, मैं नहीं बोलूँगा फिर मैं यहाँ हेल्प करूँगा ही करूँगा, तुम करो ना करो डजंट मैटर। आई एम हेयर टू हेल्प यू टेल यू एग्जाम और यू गोइंग टू क्लियर यू एम ए विद लीस्ट 60-70% मार्क्स। तो कम टू द पॉइंट, पोइट कौन है? पोइट कौन सी है? आई रिपीट, ऑल लेडी विल रिसीव बट व्हाट विल गिव एंड इन आवर लाइफ एंड ऑन डज नेचर लिव। दिस इज द वर्क ऑफ एसटी कॉलेज, सर एसटी सैमुअल टेलर कॉलेज। क्या बच्चों लोग सर नाम नहीं बताओ सबको पूरा? अरे भाई आ बन कर किसी पेज के किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते, जितने साल के तुम हो उतने साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन आ गया सर, इतना तो नहीं होगा डेफिनेटली। तो यहाँ एक क्वेश्चन मैं नहीं बोलूँगा, तो ये डायलॉग नहीं मारूंगा क्योंकि इन्हें पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आई कैन डू दिस। तो पहला पॉइंट आपका आ गया, ऑल एडी वी रिसीव बट व्हाट वी गेट एंड आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव। सैमुअल टेलर कॉलेज एंड द पोएम इज बताई थी मैंने, मेरी फेवरेट डिजेक्शन। तो आई होप सबके सबको क्लियर हो गई होगी, जिसको क्लियर नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, इससे ज़्यादा तो हेल्प नहीं दे सकता मैं। लास्ट आप रिपीशन दे रहा हूँ वो, यार आज भी लाइव सेशन है, कितने बजे? 11:15 तो आओगे नहीं आओगे? सर टाइम नहीं है, बिजी हैं सर, कहाँ चल पे। चला नो विल इट सीन, अब दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट, इस पर ध्यान देना। आपने कहा नो इट विल सीन या नो विल इट सीन टू दी ओ फ्रेंड, एक्सप्लेनेटरी मार्क है यहाँ भी। नो विल इट सीन टू दी ओ फ्रेंड सो प्रॉम्प्ट इन सिंपथी, सो प्रॉम्प्ट इन सिंपथी। अब ये फ्रेंड कौन है, सिंपथी कौन है, मुझे नहीं पता। दैट आई हैव लॉन्ग थीम आउट विद द फूड। अब यार सर ये थोड़ा सा दिल पे ले गया, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। नो विल इट सीम टू दी योर फ्रेंड सो प्रॉम्प्ट इन सिंपथी दैट आई लेंथन आउट विद फाउंच एंड फीबल टंग अ टीडियस टेल, अ टीडियस टेल। विलियम वर्ड्सवर्थ 100% अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन आया ना तो इस पोएट्री का क्वेश्चन मिलेगा 100%, लिख लो। अगर वो ऐसे टाइप क्वेश्चन हुआ तो आरटीसी हुआ तो इसकी आरटीसी भी आ सकती है। द प्रिल्यूड, यस आई एम रिपीटिंग द प्रिल्यूड। तो किस किसने इसको पढ़ा है? जिससे नहीं पढ़ा आई कांट हेल्प इट, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा तो हेल्प नहीं कर सकता। मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ, अब आपने क्या करना है क्या नहीं करना है इट्स ऑल योर चॉइस। तीन या लिखे थे, दो मेरे लिए एक्स्ट्रा है जो मैं लिख नहीं पाया, तो आपको बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ सुनेंगे मुझे बताएंगे कहाँ से ये वाला। कहता वेव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, आई रिपीट वेव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस। सर्कल मतलब है उसकी तरफ तीन बार। वेव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस एंड क्लोज योर आइज विद अ होली ड्रेड, एंड क्लोज योर आइज विद होली ड्रेड। होली ड्रेड मतलब बना और एक क्लोज थ्रेड बना ले अराउंड हिम इन अ होली ड्रेड फॉर ही ऑन अ हनी ड्यू। आई रिपीट फॉर ही ऑन अ हनी ड्यू हैथ फेड, हनी ड्यू एंड फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। सर ड्रंक ऑफ द मिल्क ऑफ पैराडाइज से मेरे को पता लगे कहाँ से? ये अप्रोच हर स्टूडेंट की रहती है, जहाँ एक लाइन पढ़ो से वहाँ होता है यार ये तो वहाँ से। ये अप्रोच मुझे आपकी चाहिए जब एग्जाम का पेपर पढ़ो का आपको क्लिक करें यस दिस इज फ्रॉम हेयर। वेव आ रिपीट वेव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस एंड क्लोज योर आइज विद अ होली ड्रेड फॉर ही ऑन अ हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। कुबला खान द वर्क ऑफ, सर मैंने बोला था किसका? सर ये एसटी कॉलेज सैमुअल टेलर कॉलेज, तो हमें तो सब पता होना चाहिए। सर देखो चार हो गए, पाँच रह गए, सर पाँच बोल रहे, पाँच तो बनता है, तो पाँचवा भी बता दो आपको। अब यार ये कैसे करोगे आप तो 100% इंटेलिजेंट हो मुझे पता है, ये लोग सब करेंगे। चलो देखते हैं कितने इंटेलिजेंट है। सो द लास्ट वन फॉर यू गाइस, आई होप आप लोग ऑन चिप करेंगे इसे। डाउन द ग्रीन हिल, आई रिपीट डाउन द ग्रीन हिल एटवर्ड अ सेडन कवर। इस सेडन कवर के बाद ना एक एक्सप्लेनेटरी मार्क लाना यार। डाउन द ग्रीन हिल एटवर्ड अ सेडन कवर अ सेवेज प्लेस, आई रिपीट अ सेवेज प्लेस। वो जो बच्चे ने रिएक्ट दिया था कि यार ये तो आ गया, वो ये सेवेज प्लेस सुनते ही आ गया कि यार ये आ गया। A savage place as holy and enchanted as ever. A savage place as holy as enchanted as ever.
बैनर था वॉर्निंग, आई रिपीट, बैनर था वैनिंग मून, बैनर था वैनिंग मून वॉज हॉटेड, सही, हॉन्टेड है या हॉटेड है, हॉन्टेड है, बाय वुमन वेलिंग फॉर हर डायमन लवर, वुमन एंड डायमन लवर सो वेव कर रही है अपने डायमन लवर को, मतलब सीरियस ये नेक्स्ट लेवल है, सीरियस नेक्स्ट लेवल है। मैंने कहा ना शुरू से कि आखिर तक इल्यूजन है यार, दिमाग का दही करते, मुझे पोएट्री ने पढ़ के ना दिमाग घूम गया था, अब तो पता लग गया होगा, नहीं पता लगा, सीरियस एसटी कॉलेज कुबला खान। तो हमने कहा सर हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, एक एक चीज़ को ऑन टिप आना चाहिए हमें, यस वी आर हियर टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम द टिप, मतलब शुरू से आखिर तक हर चीज़ ऑन टिप होनी चाहिए, एंड आई नो दैट यू गाइस आर गोइंग टू डू दिस, सो गाइस डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट नाउ, दिस इज अ हाई टाइम व्हेन यू गाइस नीड टू प्रिपेयर एवरीथिंग, एंड आई नो दैट यू गोइंग टू रॉक इन द पेपर, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई टू ग्रो विद यू, ऑल द बेस्ट।